आप देख सकते हैं ये है अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन, डाउनलोड कीजिए, जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको नज़र आएगा रिपोर्ट एंड विन। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट, मतलब कोई गलत तरीके से आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको वो आपत्तिजनक कंटेंट आपको पढ़ा रहा है, तो वो गलत है, आपको लग रहा है वो गलत है, तो कहीं ना कहीं आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो और विन कर सकते हो प्राइजेस। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। सीईटी प्रिपरेशन ऑफर है, कॉम्बो प्राइस रिवील्ड कर दिया गया है। देखिए ओल्ड प्राइस था इतना और नया प्राइस है इतना, 7,999 रुपये। इसमें एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए CM10। पहले से ही वो बोल रहा है कि 21% की छूट है, और 21% और साथ में मेरा कोड इस्तेमाल करने के लिए 10% की छूट और मिल जाएगी, तो कुल आपको 31% की छूट मिल जाएगी। तो जो प्राइस 10,200 के आसपास था और 7,999 का हो गया, उसमें भी आपको 10% की छूट मिल जाएगी 10% की। तो सोचिए कितना बेहतरीन ऑफर है आपके सामने, और इसके प्राइस भी जल्दी ही बढ़ने जा रहे हैं, इसके प्राइसेस भी जल्दी बढ़ जाएंगे। ये कुछ कोर्सेज हैं SSC कैटेगरी के, जब तक प्राइस कम है तब तक एनरोलमेंट कर लीजिए। 3-4 बच्चे ले चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ये है अन अकेडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट। एवरी संडे होगा, दोपहर 12 बजे होगा, अभी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 1 करोड़ रुपये तक का पूल प्राइस इसमें आपको दिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं 1 से 3, 4 से 10, 11 से 50 और 51 से 50, इन रैंक के बच्चों को। इसके अलावा ये रहेगा मेरा कोड CM10। इस CM10 कोड से आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए, एक फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी का नाम है हब्बा खातून। एक फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी का नाम है हब्बा खातून, जो कि वाइफ है यूसुफ शाह चक की। ये हब्बा खातून जो हैं वो वाइफ है यूसुफ शाह चक की। अब इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी यहीं पर प्राप्त करेंगे। कौन थे ये यूसुफ शाह चक? देखिए, किताब लॉन्च करी गई है, एक बुक को लॉन्च किया गया है, उस बुक को लॉन्च किया गया है थिएटर पर्सनैलिटी अरविंद गौर के द्वारा। केवल लॉन्च किया गया अरविंद गौर के द्वारा, लिखने वाले का नाम अरविंद गौर नहीं है। एक किताब को लॉन्च किया गया, एक बुक को लॉन्च किया गया है थिएटर पर्सनैलिटी अरविंद गौर के द्वारा। रिलीज़ किया गया है बुक, बुक का नाम है हब्बा खातून, और हब्बा खातून जो किताब है वो लिखने वाले का नाम है बाय काजल सूरी। 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, तीनों के नाम याद रखिए। पहले हैं कि बुक को लॉन्च किसने किया, बुक को लॉन्च करने वाले का नाम है अरविंद गौर, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट है किससे संबंधित किताब है, तो हब्बा खातून से संबंधित किताब है। ये हब्बा खातून वाइफ हुआ करती थी यूसुफ शाह चक की, जो कि कश्मीर के एम्पायरर थे, मतलब कश्मीर के राजा थे। ठीक है जी, कौन थे? कश्मीर के आपको एम्पायरर मिलेंगे, कश्मीर के राजा आपको मिलेंगे ये, ठीक है ना। कश्मीर में इन्होंने रूल किया है 1579 से लेकर 1586 तक। कश्मीर में इन्होंने रूल किया है 1579 से लेकर 1586 तक, और इनकी वाइफ का नाम था हब्बा खातून। और हब्बा खातून जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, जिस किताब को लिखने वाले का नाम क्या है, जिस किताब को लिखने वाले का नाम है काजल सूरी। यहाँ तक के पॉइंट उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे इनके बारे में समझते हैं। ये बीच वाली जो पर्सनैलिटी खड़ी है उनका नाम है अरविंद गौर, 20 वाली पर्सनैलिटी का नाम है अरविंद गौर। आपके सामने एक महिला खड़ी है, इनका नाम है काजल सूरी, और किताब लिखी गई है हब्बा खातून के ऊपर। हब्बा खातून वाइफ थी यूसुफ शाह चक की, जो कि 1579 से लेकर 1586 तक राज किया करते थे, रूल किया करते थे कश्मीर में। और हब्बा खातून को जाना गया है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से। ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि कश्मीर की नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना गया है, कश्मीर की नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना गया है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो आप जवाब देंगे हब्बा खातून को जाना गया है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से। हब्बा खातून को जाना गया है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से, जो कि वाइफ थी यूसुफ शाह चक की, जिन्होंने राज किया 1579 से लेकर 1586 तक। क्लियर? उम्मीद करूंगा इनसे संबंधित जितने पॉइंट बनेंगे आपको समझ आ गए होंगे। किताब का नाम है हब्बा खातून, लिखने वाली हैं काजल सूरी, लॉन्च करने वाले हैं अरविंद गौर नाम के व्यक्ति। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है हब्बा खातून नामक किताब लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? मतलब आप जानते हैं ना भाई साहब, कोई ना कोई आपको एडिटर चाहिए होता है, एडिटोरियल चाहिए होता है, मतलब कोई ना कोई आपकी बुक को लॉन्च कर दे वो चाहिए होता है व्यक्ति नहीं, जहाँ से वो बुक लॉन्च होगी, प्रिंट होकर निकलेगी। तो संजना प्रकाशन के द्वारा ये किताब प्रिंट हुई है, और द बुक हैज़ बीन
पिंड डाउन द काजल सूरी, किताब लिखी गई है काजल सूरी के द्वारा, हब्बा खातून ऑल्सो नोन एज हॉनरी टाइटल द नाइटन गेल ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर की नाइटन गेल के रूप में इन्हें जाना गया है। वॉज अ कश्मीर पोएट एंड अ एशियाटिक, शी वॉज द वाइफ ऑफ द यूसुफ चक द लास्ट एम्पेरियर ऑफ कश्मीर। वो बोल रहा है अंतिम सम्राट यूसुफ शाह की पत्नी थी ये, कश्मीर की कवि और तपस्वी थी ये। ठीक है जी, जो ये जो हब्बा खातून है उन्हें जाना गया है नाइटन गेल के नाम से, कश्मीर की एक कवि थी, पोएट थी, इसके अलावा इन्हें जाना गया है नाइटन गेल ऑफ कश्मीर के नाम से। ये सवाल तो बहुत ईजी हो जाएगा अब तुम्हारे लिए, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखना कितना ईजी हो जाएगा सवाल। एग्जाम में ये भी बन सकता है, नाइटन गेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना गया है, जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट कमेंट करके। नाइटन गेल ऑफ कश्मीर के नाम से तो जाना गया है हब्बा खातून को, और नाइटन गेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना गया है, जल्दी से कमेंट करके जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। प्रियंका जी, सत्या सिंह जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई सब धुआं गाड़ दो, रात भर पढ़ा करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करवाने की गारंटी हमारी है पूरी की पूरी। तुम्हारी जीके जीएस में एक कमी नहीं रहेगी उसकी गारंटी हम ले रहे हैं पूरी की पूरी। चाहे एसएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, सीजीएल सीएचएसएल, चाहे स्टेट पीसीएस में जाकर बैठ जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक, चलिए भाई हब्बा खातून के बारे में जान लिया। इसके अलावा नाइटन गेल ऑफ भारत पूछ जाए, नाइटन गेल ऑफ इंडिया पूछ जाए, तो ये टाइटल दिया गया था सरोजनी नायडू को। आप जानते होंगे सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्हें बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन से ईयर में बनाया गया, इन विच ईयर सरोजनी नायडू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस। आप जानते होंगे 1917 में बनाया गया था एनी बेसेंट को, मगर एनी बेसेंट इंडियन मूल की नहीं थी, मगर सरोजनी नायडू भारतीय मूल की महिला थी और वो चुनी गई थी कांग्रेस की अध्यक्ष। कौन से सत्र में, कौन से सेशन में, कौन से ईयर में, सवाल ये है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सरोजनी नायडू द नायडू फर्स्ट इंडियन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, इन विच ईयर। इन क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो।